करो लाइक, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम तो आए नहीं रहे तो लाइक करो, लाइक करके लिख शेयर करो। फुल स्क्रीन करें इसको, फुल स्क्रीन कर दे ताकि व्यू आ जाए। ऐसे ऐसे म्यूट कर ना वो लिंक आ गया उसका वेबिनार का, वो सर कह रहे हैं ग्रुप्स में शेयर कर दो। मेरी बात सुनो, आशा को पूछ लेना वो एक आधे ग्रुप में नहीं है, उनको पूछ लेना कि वो सारे ग्रुप्स में शेयर हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया। हाँ ठीक, चलो मैं अपने पेज पे शेयर कर दूं अपने लिंक पे। गैरी मेरे घर में गेस्ट है, मैंने आशीर्वाद वाले लोगों को कह दिया, होने शुरू हो गए। वाले ग्रुप में एडमिन मैंने कर दिया लिंक डाला ऑनलाइन में आ गया। आशीर्वाद ने अपने ग्रुप में कर दिया, फर्स्ट लिंक में हो गया, 14 मई में नहीं हुआ। Assalamu alaikum everyone, I am Mehreen Gill and I welcome all of you on behalf of Star Institute Lahore. बच्चे जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी recently MD CAT का syllabus change हुआ है और उस syllabus को लेकर students को बहुत सारी confusion है, उनकी queries हैं और उनके questions हैं और इन्हीं सब आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हम इस वेबिनार को लेकर आए हैं एंड वी आर होपफुल कि ये आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा और ज़रूर आपको गाइड करेगा आने वाले टाइम में। आप लोगों की इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो एंट्री टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं एंड वी आर प्राउड टू हैव विद अस सर मोहम्मद अली कुरैशी, चेयरमैन ऑफ स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर एंड मिस्टर अख्तर अब्बास जाफरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप लोगों को पता है, जैसे कि आप दोनों को पता है कि अभी रिसेंटली एंट्री टेस्ट का सिलेबस चेंज हुआ है और स्टूडेंट्स को बेहद कंफ्यूजन है अब कि हम कैसे कवर करेंगे ये सिलेबस को. इस सिलेबस के आने की वजह से हमारे मार्क्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, हम कैसे मैनेज कर सकेंगे? तो सर, आप सर अली, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत अच्छे गाइड भी करते हैं बच्चों को और काउंसलर भी हैं, और बच्चे आपकी काउंसलिंग से आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है अपने फ्यूचर को लेके जो है वो एक अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को कि हाँ हमें ये फील्ड चूज करनी चाहिए या हमें इस तरफ जाना चाहिए. तो सर, आपकी गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के बताएं बच्चों को कि जो पैनिक इस टाइम एक क्रिएट हुआ है, जो कंफ्यूजन इस टाइम एक क्रिएट हुई है, उसको बच्चे कैसे हैंडल कर सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम. अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा पिछला वेबिनार था आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर स्टेट में. तो पिछले वेबिनार में जब हम बात कर रहे थे तो इट वॉज कोविड इन पीक और आप सबके हालात थे, अल्लाह का शुक्र हम सब उस सिचुएशन से बाहर आ गए. अच्छा, और एक चीज तो जहन में रखिएगा, कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो दैट इज नॉट फॉर सिंगल पर्सन, सिर्फ आपके लिए नहीं होती, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स एवरीवन्स गेम. हमने जिन पैरामीटर्स पे आपकी प्रिपरेशन करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा था जो पिछले सिलेबस में नहीं था. स्लाइड चेंजेस हैं और हम वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. हम फिजिकल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो जो आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं जो हमने, उसके लिए हम आपको एडिशनल पीरियड्स देंगे. दैट्स नॉट अ बिग डील. हम इंशाल्लाह आपको हर लिहाज से विल इक्विप यू प्रॉपरली इंशाल्लाह. But the thing is कि पैनिक नहीं होना, ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम, ये एंड पे नर्व्स की गेम होती है. तो डोंट पैनिक, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं आई, यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम, कोई ऐसा कुछ समर सॉल्ट नहीं आ गया. कुछ चीजें हैं, और बायो में आपको पता है बायो में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो थियोरेटिकल होती हैं, वो चीजें आपने पढ़ी हुई होती हैं. हम इंशाल्लाह आपको उनकी रिविजन देंगे, हमारी टीचिंग टीम जो है उसने उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर लिए, स्पेशल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर लिए. तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स में भी आ रहे हैं, फिजिकल लेक्चर्स भी देंगे आपको. तो दैट इज नॉट अ बिग डील. इस चीज को पहले जहन में रख के आपने काम शुरू करना है. बाकी ओवरऑल कोई ऐसी खास मेजर चेंज नहीं है. जो एक एक दो दो टॉपिक्स हैं वो हम हमेशा, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 98 में जो पहला एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तब से लेके अब तक हमेशा हर साल यही होता है, हर साल कोई ना कोई नई जो है वो तोहफा आ जाता है. तो नेवर माइंड, पैनिक नहीं होना, और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज वी आर कमिटेड टू योर फ्यूचर. तो इस मामले में हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा करनी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. और कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है. वो बच्चे जिन्होंने बेशक हमारे साथ प्रिपरेशन नहीं भी की, उनके लिए भी वी हैव अ लॉट ऑफ पैकेजेस. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे इधर उधर हमारे नाम से खराब हो गए, तो उन सब के लिए भी है स्पेशल पैकेजेस, ताकि आपको जो लास्ट हिट है और जो भी उनकी कमी है, शॉर्ट कमिंग है, इंशाल्लाह वी आर रेडी टू फुलफिल दैट. थैंक यू सो मच सर. एंड पॉइंट यही है कि डोंट पैनिक, खुश रहो, टेंशन नहीं लेने का. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक ये बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा आपका आंसर, बहुत शुक्रिया सर. जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, और वो ये कि इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे इस सिलेबस चेंजिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो कैसे हैं आप? विदाउट मास्क मेरा ख्याल बड़े अरसे के बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं. You don't need to worry. You don't need to worry. आपके जो सवाल आ रहे हैं हम सारे देख रहे हैं, जो ईमेल पर सवाल आए हैं पहले वो ले रहे हैं. जाहिर है इसके बाद ये जो क्वेश्चंस आप साइट पे पोस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट में, इसका भी जवाब देंगे. सबसे पहले तो सिलेबस नया आया है,
आप वही हैं, कम से कम कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की बेटा, उनको तो पर्टिकुलरली पता है 2018 और 19 दोनों चीज़ें करवाई गई आपको, एक एक टॉपिक के बारे में बताया गया, लाइन टू लाइन चीज़ें एक्सप्लेन की, वर्ड टू वर्ड सिलेबस के चले। सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड एज फार एज योर एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेशन इज कंसर्न, टू द एक्सटेंट जो एम डी कैट का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं नम्स के बारे में। देर इज एनफ टाइम, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि जो आपकी कंसेप्चुअल वर्किंग है, कौन से रूल लगते हैं गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन से रूल लगते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन से रूल लगते हैं एसिड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब है वक्त प्रैक्टिस का। देर आर फ्यू थिंग्स पर्टिकुलरली बायोलॉजी के सिलेबस में शायद थोड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है इन सर्टन एरियाज अगर हम नम्स को फॉलो करते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर एंड क्लियर कि ये ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से नया सिलेबस उतरेगा। द कमिटमेंट पीएमसी हैज गिवन यू अबाउट नेशनल एमडी कैट पूरे पाकिस्तान में एक होने जा रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे पाकिस्तान से उनकी कमिटमेंट ये, हाँ, ये टेक्निकल सपोर्ट टीम के एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे। So, अभी हम वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम डिस्कनेक्ट हुए। दोबारा ये सारा कुछ करेंगे आप, एक बार वो हमारे ग्रुप से लिंक दोबारा शेयर हो। हमेशा एक दो मिनट वेट किया करें। ओके चलिए चलिए, नहीं तो 1-2-3 वो टाइम लॉग आई थी। आप लाइव नहीं हो, स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया हुआ ना, बताएं सबको लिंक दोबारा शेयर करें। तमाम लोगों को बताएं लिंक दोबारा शेयर करें। देखें कितने आए व्यूअर्स, बताएं थोड़ा सा। 45 हुए हैं अभी, थोड़ा बच्चों को बताएं हम स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था। आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे जहां से जाफरी आप लोगों को बता रहे थे, वहां से ही हम दोबारा स्टार्ट लेंगे। और इसमें मजीद और भी क्वेश्चन के जो सेशन है वो होने वाला है। आप लोगों के हमें सिलेबस चेंजेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, जिसमें से जो कॉमन और जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया जो यहाँ पर आज आंसर करेंगे सर को। एंड आई होप कि ये सेशन को ज्वाइन करने के बाद, देखने के बाद, आप लोग बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, इन चेंजेस को कैसे कवर करना है। और सबसे बढ़ के इस सिलेबस की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक प्रेशर है उसको आपने कैसे हैंडल करना है। और मेरे ख्याल से एमडी कैट में ये एक बहुत मेजर चीज़ होती है, क्योंकि हम चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं समटाइम्स कर पाते। और आई थिंक ये सेशन के बाद आप इस लिहाज से बहुत हद तक काउंसल हो जाएंगे कि आपने अपने एमडी कैट में कैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और इंशाल्लाह आप सब अगर इस सिलेबस को तैयार करेंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, अल्लाह आप लोगों की मदद करेगा और आप सबको एंट्री टेस्ट में कामयाबी होगी इंशाल्लाह। सो सर, हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहाँ से हमने छोड़ा था, और वो ये था कि इस कम ड्यूरेशन में बच्चा सिलेबस को कैसे मैनेज करेगा। अच्छा जी, बात करते करते टूट गई वो। पाकिस्तान में ना बहुत सारे मसाइल हमें आते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना मुल्क है और हम फेस भी करते हैं मसाइल को और उनका हल भी जानते हैं। बहरहाल जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आपको फिर वही टाइम लाइन के बारे में बताऊँ, चीज़ों के बारे में बताऊँ, बात शुरू की थी, मेरी ज़ाती राय में जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चीज़ पाई जाती है, आपको पता है वो सबसे ज़्यादा कौन से लोग पाए जाते हैं? डॉक्टर्स हैं, पता आपको? पाकिस्तान की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं। आप बीमार हो, बस किसी को खांस के दिखा दें, कुछ ज़रा सा बता दें मेरा गला ख़राब है, हर बंदा डॉक्टर है। वो आपको ऐसा मशवरा देगा ना कि बस कमाल हो गया, एक जगह पैनाडोल पी लो, दो जगह ये पी लो, सारों की इकट्ठी पी लो, तो जीने का सवाल पैदा नहीं होता इस किस्म की हरकतें। लेकिन इसी तरह से हमारे यहाँ जो दूसरी चीज़ है बेटा, वो मुफ्त मशवरा है। आप यूट्यूब चैनल उठा के देखें, बच्चे बच्चे हैं, खुद अभी पहले साल में हैं और लगा रहे हैं। देखिए बेटा, यू लर्न थिंग्स विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इट इज़ ओवर एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 decades। सो विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जब आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो इट्स वर्थ लिसनिंग।
मैं सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया बात करते हुए, तो स्टूडेंट साथ में ज्वाइन कर लें जो लोग उस वक्त इस डिस्कशन का हिस्सा थे. सो आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ तरीकेकार बताएंगे आज कि कैसे लेके चलना है आपने इन आने वाली सिलेबस की चेंजेस को. पहली बात, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नेशनल एमडी कैट के लिए टाइम थोड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत है. बात यहाँ तक पहुंची थी कि हमने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, जहां पर भी आप पढ़े, आप स्टार में पढ़े हैं, स्टार में नहीं पढ़े हैं, किसी और जगह पर पढ़े हैं, आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, पूरे का पूरा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, देन एक आधा टेस्ट सेशन भी आप दे चुके हैं. इज दैट ट्रू? जो लोग समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, प्लीज मेंटली कम से कम इस डिस्कशन में मेरे साथ एंगेज रहिएगा. देखिए 70% सिलेबस यानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. जो चेंज क्या आ सकती है, क्या एक्सपेक्टेड है, फिर क्या उसके लिए टाइम शॉर्ट है, पहली चीज ये है. क्या कोई क्लियर कट गाइडलाइन दे दी गई है? क्या कोई सिलेबस लग गया है वेबसाइट के ऊपर के जी ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स है, ये लर्निंग आउटकम है? ऐसा कुछ नहीं हुआ. बताया ये गया है कि जो नर्म्स इदारा है वो ये टेस्ट कंडक्ट करेगा. इसकी डिटेल्स इस वीक के एंड तक इंशाल्लाह आ जाएंगी. सिलेबस के लिए फिलहाल ये बता दिया गया कि आप नर्म्स ही के सिलेबस को कोर सिलेबस समझें, और साथ ये ऐड कर दिया गया कि ये कॉमन सिलेबस से होगा. अब सिंध बोर्ड की बुक्स में कुछ तो फर्क है, के पीके की बुक्स में कुछ फर्क है पंजाब से, लेकिन मेजर कंटेंट बहुत सारा ऐसा है जो कि सेम है. सिमिलरली आपके इक्विवेलेंट लेवल पर जो ए लेवल्स की स्ट्रीम चल रही है, इनके सिलेबस में काफी फर्क है हमसे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉमन एरियाज क्या बचते हैं. मसलन इस सिलेबस जो आपको दिया गया है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, किंगडम मनेरा का अगर मैं जिक्र कर लूं, फाइलर्स का जिक्र कर लूं बायोलॉजी में, तो वो ए लेवल्स वालों ने नहीं पढ़े हुए, वो नम्स के सिलेबस में है, ए लेवल्स वालों ने नहीं पढ़े. अब इस चीज को देखना पड़ेगा कि कॉमन एरियाज क्या बनते हैं. बेटा किसी किस्म का रिस्क कोई इदारा अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, लिहाजा जो आपका ये पेपर बनने जा रहा है ये सर्टनली कॉमन एरियाज से बनने जा रहा है. कॉमन एरियाज जो यूएचएस ने कवर किए, बिलीव यू मी, जो यूएचएस के सिलेबस में है वो ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट से कवर करते हैं. कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं बनने जा रहा जो एफएससी किए हुए स्टूडेंट को नहीं आता होगा. इट्स नॉट पॉसिबल, यानी उसके उसने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा. सो कॉमन सिलेबस का कंटेंट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आपने फंडामेंटल्स पहले सीख लिए हुए. सो अगर नम्स टेस्ट कराएगा तो ये तो तय है कि जो उनकी कैपेसिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जिस तरह का वो अपने लिए टेस्ट लेते हैं, मोर और लेस उसी स्टैंडर्ड पे ये टेस्ट लेंगे. सो दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट. देखिए अब दो बातें. फर्स्ट करें, लेट्स अज्यूम, मैं सारों की बात को वेटेज दे देता हूं. जी सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, 10-15% चेंज हो गया, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है. मेरी जाती राय में पूछे तो 5% है. चले जो इसके हामी है उनकी बात मान लेते हैं, 10-15% सिलेबस चेंज हो गया. सो दीज आर स्पेसिफिक आर्टिकल्स. वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स स्टार इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाए जाएंगे, तमाम आर्टिकल्स. और मैं आपको यह भी इंटरेस्टिंग बात उसमें बता दूं कि जो स्टार में स्टूडेंट पढ़े हैं उनको भी पढ़ाए जाएंगे, और जो नए लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनको भी पढ़ाए जाएंगे. एक नई पॉलिसी मरतब की है जो इस सेशन के एंड की तरफ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि अब हमने आपको लेकर के कैसे चलना. तो दो बातें आपने करनी है. पहला पॉइंट, आपने प्रिपेयर करना है नम्स में मौजूद एडिशनल टॉपिक्स. इस वक्त जो मौजूद 18-19 का सिलेबस आपका प्रिपेयर्ड है एमडीकैट का, एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल लेक्चर्स होंगे. And these lectures for the Star Institute student will not cost you. You already registered. So, of course, syllabus ki major change biology section mein aapko hit karegi. Jo change aayegi wo physics section mein aapko thoda bahut change hai. Chemistry section mein minute change hai. Masalan ek environment ka chapter agar nahi hai to wo nikla hi hai, kam hi hua hai, pehle se zyada nahi hua. Agar S&P block likha gaya hai to past mein NUMS ki history dekhen. क्या S&P ब्लॉक की इक्वेशंस आई हुई हैं या ट्रेंड्स आए हैं इनमें से? और ट्रेंड्स पहले भी एमडी कैट में है
ऑक्साइड्स की केमिस्ट्री पहले भी एमडी कैट में है. सो यू नीड टू रिव्यू द सिलेबस वंस अगेन. जो लेफ्ट ओवर्स हैं जो एमडी कैट में आपने टॉपिक नहीं लिए वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं. सो फेयर एनफ टाइम, अबाउट 2 वीक्स लगने चाहिए इनको दोबारा से पढ़ने में. लेकिन उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सेशंस भी देंगे जिनमें पेपर अब नम्स के पैटर्न पर होगा. वो बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे, मेरा व्हाट्सएप आपने चोक कर दिया मैसेज कर करके भरा हुआ कि जी ये बताइए कि सर कल के टेस्ट में क्या आएगा. बेटा कल के टेस्ट में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स में जो नम्स की डिटेल्स नहीं आई हैं, लेट्स से बायोलॉजी में 4 चीजें एडिशनल है, उनसे भी क्वेश्चंस होंगे. तो कल जो आपका क्रैश टेस्ट होने जा रहा है. दूसरी बात यह कि हम आपके टेस्टों को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, हमें टाइम मिल गया. सो डेफिनेटली हम नए पैटर्न नए सिलेबस के मुताबिक करेंगे. एंड बाय थर्सडे फ्राइडे जब ये नया सिलेबस लग जाएगा तो आपको एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस टू दैट पढ़ाएंगे. क्लियर? सो डोंट वरी, एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे. नम्स वाले एक्सपर्ट हैं ये मैं आपको बता दूं. एंड वी हैव इनफ टाइम, वी हैव ओवर अ मंथ्स टाइम, कोई मसला नहीं है. और वी हैव फेयर इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड वेल, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में वर्किंग हो चुकी है. सो हम आपको एक पूरा प्रोग्राम देंगे. अभी हम ये रिटर्न फॉर्मेट में स्टार में मौजूद स्टूडेंट्स को प्रोग्राम देंगे हाउ यू कैन रियली इंप्रूव योरसेल्फ. और इंशाल्लाह कल जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहां पर भी ये चीज मैं दोबारा समझाऊंगा. आपको याद होगा हमें पता था और किसी इदारे ने ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया बच्चों के लिए कि उनका टाइम वेस्ट ना हो. एंड वी टोल्ड यू कि हमने कैसे लेके चलना है. हमें जब चेंज आएगा नेक्स्ट डे पे आपको चेंज पेपर मिलेगा. तो इंशाल्लाह कल यही कुछ ही होने जा रहा है. आपको पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स देखनी है, आपको वेबसाइट्स कौन सी रेफर करनी है, इनके बारे में थोड़ी देर में जब क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वन बाय वन हम रिस्पॉन्ड करेंगे. वी हैव अ कंप्लीट यू नो program for you, for all of you to improve. And inshallah, inshallah, first position ke liye working kar rahe hain. We're not working for, you know, just the high percentage marks. Inshallah first. Thank you. Thank you so much, sir. Isme ek aur addition kar do. Ye jo first position wali sir baat kar rahe hain na, ye humne koi import nahi kiya teacher students. Ya koi duniya mein kahin aur se nahi aaye hue. Ye aap log hi hain. और इंशाल्लाह आप में से पोजीशंस निकलनी है. हर साल आप जैसे लोग होते हैं, कोई उस आसमानी मखलूक नहीं होती, ना हमने कोई ऑर्डर पे कोई बनवाए हुए होते हैं. इट्स ऑलवेज यू एंड वी आर बिलीविंग इन यू और अल्लाह ऑलमाइटी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बच्चों को आई थिंक बहुत हेल्प मिली है इन चीज़ों से. लेकिन अभी मेरे पास लिस्ट है उन क्वेश्चंस की जो बच्चों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं आजकल, और इनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आप दोनों से. सबसे पहले सर अली आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें. ये ताहा खान है जिसने फेसबुक पे हमसे पूछा है कि मेरिट पे कोई फर्क पड़ेगा इस सिलेबस के चेंज होने से. सिलेबस के चेंज होने से आई थिंक मेरिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बात की कि जो ओवरऑल चेंजेस होती हैं वो सबके लिए होती हैं. थोड़ा सा फर्क इस सूरत में इस बार पड़ सकता है, थोड़ा सा एज इस बार रिपीटर्स को थोड़ा सा है कि उनके स्कोर्स पिछली बार एफएससी में स्कोर्स अच्छे थे. इस बार सीन ये है कि इस बार जितने बच्चों ने फर्स्ट ईयर में काम किया था उसी बेस पर उन्हें सेकेंड ईयर में मार्क्स मिले, तो वो एक थोड़ा सा एज है रिपीटर्स को. बाकी आप जितना हार्डवर्क करेंगे मेरिट के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देना गलत होता है. पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है. अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल और इस बेस पे आपने पेपरों में भी फैसला नहीं करना, इस बेस पे आपने फैसला नहीं करना कि डिफिकल्टी लेवल मेरा पेपर गलत हो गया, मेरे इतने सवाल गलत हो गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ आपसे. पेपर देते हुए अपने आप को असेस नहीं करना आपने कि जनाब मेरे इतने गलत हो गए, मेरा इतने पे होगा, मेरा ये होगा, मेरा नहीं होगा. ये 2-3 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्लीज इस चीज को ज़हन में रखिए. पहली बात कि अपने सर पे पहले ही सवार ना कर लें कि जी पेपर बड़ा मुश्किल आना है या सिलेबस चेंज हो गया, मेरी बारी ऐसा क्यों होता है. दुनिया के सबसे मजलूम आदमी आप नहीं है, दुनिया में और भी कई लोग हैं, जंगलों में गारों में रहते हैं, समुन्द्र के नीचे भी बादलों को जाना पड़ता है.
रोटी खाने के लिए, पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर का फासला सहरा में तय करना पड़ता, आप उन दुनिया के सबसे मजलूम तरीन इंसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप अपनी इन चीजों से बाहर निकलो, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपने जितने डिप्रेशन, जितनी टेंशन, जितने प्रॉब्लम, वो सारे बाहर रख के जाने। अब जाना है तो वहां पे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के साथ जाना, उस भरोसे पे जाना है, दैट्स ऑल। तीसरी बात, आप पेपर के बारे में जो ओपिनियन डेवलप करते हैं ना, आपका असल मसला है कि आपने दी हुई है एफएससी के एग्जाम, एफएससी का आपको एग्जाम देते हो तो बेटा आप पहले क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन पेपर आप पहले पूरा पढ़ लेते हो, जब पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो तो आपका ओपिनियन डेवलप हो जाता है, पेपर आसान है मुश्किल है, पिक्चर आपके सामने आ जाती है। एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो 200 क्वेश्चन हो, 220 क्वेश्चन हो, 180 क्वेश्चन हो, वो सब के सब डिफरेंट होते हैं। इस बेस पे और ये अंदाजे लगाने हैं कि मेरिट ऊपर जाएगा, मेरिट नीचे जाएगा, इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं आपका। आपने सिंपली अपने ट्रैक पे रेस लगानी, और मैं बार बार ये बात मेरे ख्याल से पहले भी कई मरतबा आपसे लोगों से कह चुका हूं कि जितनी देर आप पेपर के बारे में सोचते हैं उससे आधा टाइम अगर आप पढ़ाई कर लें तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर अगला क्वेश्चन सर जाफरी आपसे करना चाहूंगी, और वो ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पेपर में कोई लीनियंसी मिल सकती है सिलेबस चेंजिंग की वजह से हमें? ऐसा कुछ नहीं होता जी, हर इदारा टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इंस्टीट्यूशन जो ये काम कर रहा है वो पेपर बनाता है, दे ट्राई टू मेक इट श्योर कि इसमें मिनिमम मिस्टेक्स हो और अच्छा डिफिकल्टी लेवल, एक अच्छा क्वेश्चन का बैलेंस प्रोपोर्शन हो। बैलेंस प्रोपोर्शन से मुराद ये होती है कि एट टाइम्स उसमें कुछ सवाल मेमोरी बेस्ड हों, कुछ सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड हों, कुछ सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड हों। सो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पेपर बनाया जाता है। सो अगर आप बात करें लीनियंस के बारे में, अब आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय लीनियंस, सिंपल इज दैट द पेपर वुड बी अ बैलेंस्ड पेपर। नाम से एक तजर्बाकार इदारा है, ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू कैन से यूएचएस को एक्सपीरियंस है इसमें, लेकिन नम्स भी एक तजर्बाकार इदारा है। अगर आप मुझसे मेरी जाती राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि यूएचएस को बहुत देर हो गई थी, तो यूएचएस मस्ट हैव कंडक्टेड दैट, लेकिन अब इन्होंने नम्स का फैसला किया जैसा पाकिस्तान में होता है। सो मेरे ख्याल के मुताबिक नम्स बहुत बैलेंस पेपर बनाएगा और इसका डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली उसी तरह का होगा जैसा नम्स में पास पेपर्स में रहा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मेरी जाती राय में, क्योंकि वो आप साथ साथ कमेंट्स का ट्रोल बड़ी तेजी से चल रहा है। आई मस्ट टेल यू कि इनका जो नम्स का ओरिजिनल पैटर्न है, अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 180 क्वेश्चंस, 70 बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। This is one format of the paper. लेकिन पेपर इसके अलावा भी हो सकता है, यानी UHS का जो 200 questions का pattern है वो भी एक pattern चल रहा है, इससे पहले 220 questions का pattern भी चल रहा है। So difficulty level more or less would be same। और एक चीज़ याद रखें कि difficulty level के बढ़ने या कम होने से overall merit percentage को तो फर्क पड़ता है, कुछ बहुत minor सा, लेकिन आप आपस में competition में, अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए, यू डोंट हैव टू वरी, ये अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं जो आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ विद सच थिंग्स। अल्लाह का नाम लें, मेहनत करें, जो चेंजेस आई हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस हम पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स अलहदा से कराने जा रहे हैं, प्लस टेस्ट सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इस लिमिटेड टाइम में जितना हो सकेगा एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर अली नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ये अली रजा ने हमसे पूछा है इंस्टाग्राम पे कि ये जो स्केजुअल हमारे पास है, लाइक सिलेबस आया है, ये कंफर्म्ड है, वेरीफाइड है कि अभी इसमें भी मजीद कोई चेंजिंग आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट्स आई थिंक इस साल बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लर हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इतना टाइम आगे एंट्री टेस्ट अब हो जाएगा, अब आगे चला जाएगा, तो आप बच्चे इस डिसीजन पे भी सर कॉन्फिडेंट नहीं है कि आया ये रहेगा या इसमें भी कोई चेंज आएगा, तो आप प्लीज बच्चों को ब्लर ना कहें, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं।
नहीं नहीं मैं नहीं ब्लर कह रहा, इन लोगों ने कहा था दैट्स नॉट मी, आप लोग ब्लर नहीं है, अल्लाह रहम करे, थोड़े बहुत साथी हैं, कोई बात नहीं, खैर होगी। अच्छा सवाल ये है कि अच्छा ऊंची आवाज बोल, मैं हाजिर चुना वो ये था कि ये सिलेबस वेरीफाइड है और ये मैं यही बताने लगा था कि ये अब तक के लिए मेरा ख्याल है कि जहां तक मैं आपको इंग्लिश का बताऊं तो इंग्लिश ने नम्स ने पहले जब तीन साल पहले इन्होंने अपने जब नम्स का अपना इंट्रोड्यूस करवाया तो पहले इन्होंने यूएचएस की वोकैबुलरी दे दी, फिर यूएचएस की कोई कॉपी करके एज इट इज यूएचएस वाले, इस बार उन्होंने वही यूएचएस का जो सिलेबस था वो एज इट इज इंग्लिश का डाल दिया, वही वाले वर्ड्स हैं, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है यूएचएस के लिहाज से, द सेम सिलेबस हैज बीन कॉपीड एंड इट इज देयर, वो 208 वर्ड्स और थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है अब इससे आगे शायद नहीं जाएंगे ये, अनलेस कि कोई ऐसी कोई नेशनल लेवल पे कोई डिस्कशन हो जाए या कोई और बात हो जाए या कोई सिंध वाले कहें या केपी वाले कहें, क्योंकि इससे ज्यादा मेरा ख्याल चेंज की जरूरत नहीं होगी, आई थिंक इट विल बी बेटर, और क्योंकि नम्स खुद इसी सिलेबस को इंट्रोड्यूस करा के उस पे ले रहा है तो इट मींस इट इज दिस करिकुलम इज फाइनलाइज्ड, मेरा ख्याल है। थैंक यू होपफुली चेंज नहीं होगा। सर जाफरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कामरान खान ने फेसबुक पे हमें पूछा है कि ओवरसीज बच्चों को इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए। देखें जी ओवरसीज़ के लिए अभी तक येट वी डोंट हैव अ कंफर्म्ड पॉलिसी अनाउंस बाय नर्स, लेकिन पॉलिसी डेफिनेटली ओवरसीज़ के लिए अलग से बनेगी। आपके पास दो रास्ते हुआ करते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, एक ऑफ कोर्स अगर आप एमडीकैट के जरिए आना चाहते हैं, अब जो नेशनल एमडीकैट होगा इसके ज़रिए आप आएंगे, और फिर आपको ये देखना होगा कि अगर आपके पास पाकिस्तान की जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है उसमें मौजूद मेडिकल कॉलेजेस का कॉलेजेस में आपको दाखिला दिया जाएगा। दूसरा सैट टू का रास्ता है, ऑफ कोर्स सैट टू के जरिए भी आ सकते हैं, ये इंटेक्स होती रही है पास में, बट अ क्लियर पॉलिसी हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। मेरा ख्याल है कि वी शुड वेट फॉर सम टाइम, मे बी ज्यादा से ज्यादा बाय दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी डिटेल पॉलिसी आ जाएगी। भारत ये चीज़ ध्यान में रखिए, इसके अलावा क्योंकि आप प्रोविंसेस के दरमियान ये नेशनल एमडीकेट सारे देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपने अपने प्रोविंशियल सिस्टम के मुताबिक अप्लाई करना है, और जो आपको डिटेल्स दी जाएंगी यानी जो आपको एडमिशन दिया जाएगा वो जो रिजर्व सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसी भी प्रोविंस में मेडिकल की पब्लिक सेक्टर की अवेलेबल है उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ ये है कि आपके टेस्ट कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी बदली है, नाम्स है, और उसके सिलेबस में कुछ चेंजेस आई हैं जो आपको पढ़ाई भी जाएंगी, जिनके टेस्ट भी लिए जाएंगे। हम आपके लिए नाम्स की एडिशनल क्लासेस करने जा रहे हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए कि बाज़ बच्चे कहते हैं बायोलॉजी में अप टू 40% चेंज आया, यस सिग्निफिकेंट है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें इंग्लिश में कोई चेंज नहीं, केमिस्ट्री में माइन्यूट ना होने के बराबर है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत चेंज है, सो ओवरऑल रिलेटिवली 10-15% का ये डिफरेंस हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत सारे आप सवाल कर रहे हैं मैट्रिक इंक्लूड होगा नहीं होगा, इसकी डिटेल्स बच्चों ने किए हुए हैं क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं हुई है फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, बट मोस्ट लाइकली देयर वुड नॉट बी अ सब्सटेंशियल चेंज इन ओवरसीज पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये आयशा फारूक बच्ची, इसने ईमेल हम पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मेरिट है वो ओवरऑल जो है प्रोविंस के लिए, सारे प्रोविंसेस के लिए एक ही जाएगा या हर प्रोविंस की मेरिट लिस्ट जो है वो अलग होगी। नहीं इसमें जो कोटे का सिस्टम है उसको कोई ना टच कर रहा है ना पीएमसी उसको टच कर रही है, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि पूरे मुल्क का जो एडमिशन सिस्टम है, एडमिशन पॉलिसी, इंडक्शन पॉलिसी है वो एक रहेगी, दैट हैज टू बी कि वही अथॉरिटी करेगी और वही फैसला करेंगे। इसमें ना कोटा डिस्टर्ब हो रहा है, ना प्रोविंसेस की सीट्स में इशू आ रहा है, ना कोई ये हो रहा है कि नेशनल लेवल पे आप सिंध में जाके पढ़ रहे हैं या बलूचिस्तान में जाके पढ़ रहे हैं, नहीं, वो जो प्रोविंशियल बेसिस पे है सीट्स दे आर देयर,
उसमें कोई ऐसी चेंज नहीं आ रही, सिर्फ ये हो रहा है कि बजाय इसके जिस तरह इंटीरियर सिंध में 5 एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, बलूचिस्तान का अपना टेस्ट होता है कि केपी का, उनका भी सब के सब को इकट्ठा एक अंडर वन रूफ कर दिया जाए और वो टेस्ट बनाने वाली अथॉरिटी होगी नाउंस सिंपली। बाकी सारे एडमिशन पॉलिसी में, सीटों में और कोई चेंज नहीं आ रही इसमें, इसमें ऐसी कोई चीज है ही ये पीएमसी में के जो ये जो और आया है लॉ है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। स्टूडेंट का नाम, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। ये एक बच्ची है सारा असगर सर, जाके आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। उसने पूछा कि क्या आने वाले टाइम पे आप लोग कोई टेस्ट सेशन अब इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग। माय कैन यू प्लीज फॉरवर्ड दिस कैमरा टू सर। हाँ ओके जी, मैं जो बच्चे इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है क्रैश टेस्ट का, और उसके दो टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिए और होल्ड किया एक टेस्ट ताकि नम्स की पॉलिसी के बाद नए सिलेबस में से आपको करवाया जाए। सो दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन मंडे। बेटा टेस्ट सेशंस में ये ध्यान में रखिएगा, हमने आपके क्रैश टेस्ट में 4 क्रैश टेस्ट ऐड कर दिए। इससे मुराद ये है कि आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ दे दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड हाफ दे दिया, अब यानी सेकेंड ईयर के सिलेबस से एमडी कैट के यानी फॉर इंस्टेंस इनऑर्गेनिक से लेके हाइड्रोकार्बन तक का आपका कल टेस्ट है, फिर बाकी के हिस्से का टेस्ट है। ये 4 टेस्ट जब मुकम्मल होंगे तो इनके बाद दोबारा क्रैश टेस्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये 4 पार्ट्स दिए जाएंगे, और ये भी आने वाले 2 टेस्ट भी और अगले तमाम टेस्ट नम्स के सिलेबस की लाइफ में डेवलप किए जाएंगे। ये पेपर्स हमने बना लिए, कुछ पेपर्स पे वर्किंग हो गई, कल का पेपर नम्स के सिलेबस के मुताबिक होने जा रहा है और क्रैश टेस्ट 12 के बजाय अब 16 हो गए। सो ये 4 की सीरीज खत्म होगी, फिर दोबारा क्रैश टेस्ट शुरू होगा। तो जो फ्रेशर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहां से इसको करेंगे, फिर इन क्रैश टेस्ट के बाद ग्रैंड टेस्ट होंगे विच आर ऑल्सो देयर, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। देखिए यू आर इन सेफ हैंड्स, असल काम ही ये है कि हम बार बार आपको प्रैक्टिस दें। तो अभी आपका ये 4 का सेट खत्म होगा, जिसे हम चैप्टर 4 चैप्टर्स के टेस्ट खत्म होंगे, क्वार्टर्स खत्म होंगे, फिर क्वार्टर शुरू हो जाएंगे, फिर फुल बुक होगा, फिर फुल बुक होंगे, सीरीज ऑफ फुल बुक, और फिर ग्रैंड टेस्ट के अंदर भी आपको फुल बुक दिए जाएंगे। सो दिस इज द प्लान सो फार इसको लेकर के चलने के लिए इंशाल्लाह, और एडिशनल टॉपिक भी साथ के साथ पढ़ाए जाएंगे, एडिशनल टॉपिक्स लाइव भी पढ़ाए जाएंगे यानी क्लास फिजिकल क्लासरूम्स के अंदर भी, और ऑफ कोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बाहर के शहरों से काफी बड़ी तादाद है हमारे पास, वो भी इससे बेनिफिट ले सकेंगे। सो दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द पार्ट जो सिलेबस में नया ऐड किया गया है। ठीक हो गया जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी। ये बच्ची है नूर फातिमा और इसने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का प्रोसीजर और मेरिट अब काइंडली बता दें। अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे अभी बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत से क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। वो ये हो रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इसने ऐसा चांस दे दिया है कि शायद वो अपनी इंडक्शन जो है वो अपने तौर पे कर सकें, वो अपनी बेसिस पे करेंगे एडमिशन और उस बेस पे करेंगे। अब ये एक परसेप्शन है, हो सकता है ये इतना सिंपल ना हो जितना सिंपल लोग समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेइंग कैपेसिटी वाला सीन हो सकता है कि वो ज़्यादा लोगों को अभी इस बार इट्स वेरी वेरी मैच्योर टू टॉक अबाउट दिस थिंग, लेकिन जो कुछ भी होगा उस पर हो सकता है। वो लोग जो मेरिट नहीं बनता और इतनी ज़्यादा 20-20 लाख रुपए जो है वो 25-25 लाख रुपए जो पहले होता था, मतलब पिछले सालों में नहीं था, जब शुरू शुरू में काम हुआ था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का तो तब ये काम होता था जनाब कि आप 25-30 लाख रुपए दें जी उनको, क्या होता था वो फंड देते थे या उसको कहना चाहिए था डोनेशन, उस डोनेशन की बेस पे आपको सीट मिलती थी। तो अभी ये इनके जहन में आइडिया है लेकिन इट्स नॉट द टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस, लेकिन भी होगा इस बारे में बात क्लियर होनी है। लेकिन देर आर सर्टन देर आर अदर ऑप्शन एज वेल, इस पीएमसी के इसमें और ऑप्शन भी निकल रही हैं जो सिर्फ लोकल नहीं है, आपको इंटरनेशनली भी बड़े चांसेस मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे करना चाहूँगी सर जाफरी, और ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है।
उन स्टूडेंट्स का जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड है, और वो ये कि अब जो पीएमसी की न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग किर्गिस्तान की जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट किया गया. सो नाउ व्हाट इज द स्टेटस, बच्चे क्या करें जो मतलब बायर इंटरेस्टेड है या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जी. पाकिस्तान में जैसा होता है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज में, इन्होंने क्या किया है, बैठे बिठाए एक हुक्म जारी कर दिया जी किर्गिस्तान में. अब जो जा चुके हैं, जो वहां पर एडमिशन ले चुके हैं, वो बेचारे बैठे परेशान हैं. बिल्कुल ठीक न्यूज है, बिल्कुल ठीक बात है कि किर्गिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है बेटा. बट स्टार इंस्टीट्यूट में जो लोग स्टडी अब्रॉड के लिए आते हैं, जो हमारे बच्चे जो चाहते हैं कि जिन्हें अगर यहाँ खुदा न खास्ता किसी सूरत में नहीं हो पाया दाखिला और पाकिस्तान से बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास फिलीपींस में, हमारे पास अदर स्टेट्स में अदर देन किर्गिस्तान जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर ऑब्वियसली अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. यूरोप में, यूके में वो भी क्लाइंटेज अवेलेबल, वो भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां पर इसको देखा जा सकता है. लेकिन फिलहाल के लिए शायद ये डिसीजन कोर्ट में चैलेंज हो जाए और अल्लाह जानता है जो पहले जा चुके हैं शायद उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए यही डिसीजन है. बिल्कुल ऐसे ही. थैंक यू सो मच सर. दिस क्वेश्चन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्टडी अब्रॉड के लिए. एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को इसका आंसर मिल गया और अब आप लोग फर्दर मूव ऑन करने के लिए जो है वो अब रिलैक्स हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं. सर अली आपसे रिलेटेड है, दिस इज़ वेरी कॉमन और बच्चे आपसे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करते हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा उनको गाइड करते हैं. और ये क्वेश्चन है मनीहा अनम का, जिसने अभी हमसे इस वेबिनार पर पूछा है कि हाउ टू रिमेन कॉन्फिडेंट, तो आप क्या आंसर करेंगे इस बात के लिए? पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले आप ये यकीन कर लें आपका दाखिला नहीं होना. पहला पॉइंट ये है कि मेरा दाखिला नहीं होना, ना मैं मेडिकल कॉलेज जाना है. बेटा जब आप किसी चीज को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, एक सवार करना तो पॉजिटिवली कंसीडरिंग समथिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है जो आपको पैनिक कर देता है. ये ग्लास है ना, इसको मैं हाथ में पकड़े रखूं, कोई मुझे महसूस भी नहीं होगा मैंने कुछ चीज में कोई काम कर रहा हूँ. मुझे कहा जाए जी जनाब कि इसको मैं एक घंटा पकड़े रखूँ, मैं थक जाऊंगा. कहा जाए जनाब सुबह से शाम तक मैंने इसको पकड़े रखना, तो मेरा बाजू सोना हो जाएगा. ये ग्लास है बेसिकली आपके फियर्स, आपके खौफ, क्या बनेगा, कैसा होगा, ये होगा. ये ज्यादातर शैतानी वसवसे से होते. इस चीज को आपने जब तक साइड में नहीं रखेंगे, इन चीजों को गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स, क्या बनेगा, ये क्यों होगा, ये वसवसे आपकी जिंदगी में आप लाहौल बढ़ा करो ज्यादा. दूसरी बात बताऊं, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ. एक खातून थी, उसने, वो बेवा होगी बेचारी, 7-8 बच्चे थे उसके. उसने सिर्फ अपने 8 बच्चों की परवरिश नहीं की, उसने 11 और ऑर्फन्स की, 19 बच्चों की परवरिश की उसके लिए खातून ने. तो जब उसे पूछा गया कि हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो, उसने कहा दी आई डिड दिस इन पार्टनरशिप. यानी कैसी पार्टनरशिप? उसने कहा आई डिड दिस, मेरे पास दो चैलेंजेस थे. एक चैलेंज था हार्डवर्क और दूसरा चैलेंज था टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी. कहते जी मैंने पार्टनरशिप की, मैंने हार्डवर्क वाला काम अपने जिम्मे ले लिया, टेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अल्लाह ताला को दे दिया. दिस इज द की पॉइंट बेटा, आपके हक में जो होना है वो बेहतरीन होना है. आप सिंपली इन सब चीजों को एक साइड पे करके अपने आप को फुली इस चीज में इन्वॉल्व कर लें कि आपने सिर्फ काम करना है, रेस लगानी है. जो एथलीट रेस के दौरान सिर्फ ये सोचता रहता है मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं आगे, वो हमेशा पीछे रह जाता है. कंसिडर इट कि आप इंडिपेंडेंट होकर रिलैक्स करके जितना यहां से सॉलिड होंगे ना आप, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो जाती है. और सबसे पहले आप अपने आप को यकीन दिलाओ, यस यू कैन डू इट, एंड आई अश्योर यू कैन डू इट. बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much,
थैंक्स अ लॉट सर. सर जाफरी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी. ये एक बच्ची है अरीबा मुनीर, और इसने ये क्वेश्चन किया, इनफैक्ट ये काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब इस टाइम में हम नम्स को कैसे प्रिपेयर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड वन कि अब सिलेबस जो है वो नम्स वाला ही हो गया है फॉर स्टूडेंट्स, तो क्या नम्स कैंसिल हो जाएगा? सबसे पहले तो ये शकूक जो है इनको थोड़ा सा कम करें अपने जहन में. सिलेबस नम्स वाला हो गया, लेकिन ये नहीं बोला गया. उन्होंने ये कहा है कि फर्दर अगर कोई डिटेल्स होंगी तो वो बता दी जाएंगी. गाइडलाइन के तौर पे नम्स का सिलेबस दिया गया. गाइडलाइन के तौर पर से मुराद ये होती है कि आप यू कैन कंसिडर दिस के दीज आर दी काइंड ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स जिनमें से पेपर बनेगा, दिस इज दी सिलेबस. मे बी अप टिल फ्राइडे आपके तमाम सवालों के जवाब कंक्रीट इंशाल्लाह नम्स वाले ये पीएमसी वाले अनाउंस कर देंगे. सिलेबस यही चलेगा. नम्स बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ. नम्स अपना टेस्ट अलग से ले रहा है. वो नम्स के अंडर बैनर चलने वाले कॉलेजेस के लिए है. एमडीकैट आपने देना ही देना है. देखिए एक अजीबोगरीब सूरत हाल है इस सेंस में कि नम्स ने अपना टेस्ट लिया, उस बच्चे को जिसने नम्स में दाखिला लेना है उसको भी ये नेशनल एमडीकैट क्लियर करना है. सो वो बच्चे जो नम्स में इंटरेस्टेड थे उनके लिए एमडीकैट भी क्लियर करना जरूरी है, उनके लिए नम्स भी, नम्स का अपना टेस्ट क्लियर करना भी जरूरी है. नम्स के टेस्ट के ग्रैंड टेस्ट अलहदा से होंगे. हम क्लासेस के अंदर जो पढ़ाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो ऑनलाइन के टाइमिंग्स हैं वो बार बार साइडों पे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, वो हम मॉर्निंग के रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें. जो न्यू सिलेबस है इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स में एक एक सेक्शन वाइज सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप टीचर्स के साथ उसको रिव्यू कर सकें. न्यू सिलेबस को अलग पढ़ाया जाएगा. जो एडिशन आई है न्यू सिलेबस की वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप्स के अंदर. देन ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों जगह पे क्लासेस भी करेंगे. सो नम्स अपनी जगह पर मौजूद है, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज. बाकी आप जानते हैं हमारे यहाँ आज तक की यही खबर है. अब कल को आगे थोड़ा बहुत क्या तब्दीली आती है मुझे नहीं पता. सो एवरीथिंग इज कन्फर्म्ड. और दूसरी बात, जो लोग कराची से हैं, जो लोग सिंध से हैं, बेटा आपके रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम रहा है. आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन जो एनटीएस के जरिए नेट के जरिए होनी थी वो हो चुकी हुई, कुछ की डेट अभी चल रही है. आप हर जगह पर देखें, जो बच्चा पहले रजिस्टर हो चुका है उसे इन्हें लेना ही लेना है. सो आप अपने फ्यूचर पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें. जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है जरूर उन डेट्स के मुताबिक अप्लाई करें, तमाम टेस्ट दें प्लीज. सिलेबस एक ही हो गया हुआ नियरली, सो डोंट वरी अबाउट इट. नम्स की प्रिपरेशन के लिए बार बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए टॉपिक एड ऑन हुए हैं उनको टेक्स्ट बुक, अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से देखें. ये बार बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से. लेट से एमडीकैट में एक टॉपिक नहीं था, अब आ गया, तो जो एफएससी में लिखा हुआ है बस वही करना है. यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर पकड़ के बीएससी की चीजें करानी शुरू कर देते हैं एंट्री टेस्ट के बच्चों. एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे इस धोखे का शिकार हो जाते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं उसमें से सिवाय परेशान होने के. जितना फोकस, जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना ही आप बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे एंट्रेंस टेस्ट में. सो नए टेस्ट सेशन के बारे में बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं. अभी नमल का भी क्वेश्चन आया है. बेटा मैं आपको बता दूं, नया टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम थर्सडे. थर्सडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, जरूर ज्वाइन करें. हम उसे स्टार्ट से लेकर के चलेंगे और हम क्लासेस भी इसी तरह से, उसमें एडिशनल टॉपिक भी होंगे. अब टेस्ट सेशन में दो हिस्से हो जाएंगे, बड़ी मजे की बात है. जो एडिशनल टॉपिक्स हैं नम्स के अदर देन एमडीकैट जो एड हुए हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे. और दूसरी बात यह है कि साथ में टेस्ट सेशन भी लिया जाएगा. साथ के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तैयारी करवाई जाएगी. सो दैट वुड बी वंडरफुल. थर्सडे वाले दिन से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, जिसमें क्रैश और एडिशनल टॉपिक्स की डिस्कशन शामिल होगी. और ये किसी ने क्वेश्चन यहां पे लिखा है, मेरा ख्याल है इसका सर अली ही जवाब बेहतर दे सकते हैं कि हम लोगों को ये मनीहा ने लिखा है कि जी हम कैसे दुनिया को फेस करेंगे अगर हम एंट्री टेस्ट पास नहीं करते. इसके सर अली एक्सपर्ट. दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे आप, है ना? आप भी सही कहते हो यार, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ. मुसीबत ये है कि असल में
अल्लाह जाने शिव के किसी बुजुर्ग ने कहा था कि हम जितना लोगों की आखिरत का ख्याल रखते हैं और अपनी दुनिया का ख्याल रखते हैं, उतना अगर हम अपनी आखिरत का और लोगों की दुनिया का ख्याल रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात यही है कि वो प्रॉब्लम यही आता है ना, जी उसने वो वाली फुफ्फड़ जिनसे 3 साल से आपकी बोलचाल बंद थी वो भी पूछने आई थी कि बने आप। और एक प्रॉब्लम इसमें जेन्युइन होता है जिसमें मैं आप लोगों को जस्टिफाई समझता हूँ, आप लोगों को किसी को भी ये नहीं पता होता, आप लोग कभी फेल नहीं हुए होते, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स ना। तो आप लोगों के लिए कुछ जिंदगी में पहली बार डिफीट और वो भी ऐसी बुरी, तो इट इज समथिंग जो आपको शायद पैनिक करती है और होती भी है नेचुरल है, पहली बार देखा होता ना आपका कोई ऐसा कजन कुजन हो जो मैट्रिक में फेल हुआ हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर में उसको धक्के धुक्के देगी, उसको पास होने में मिठाइयाँ बट रही हो, तो उसको ऐसा कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं हो। तो आप वो होते हैं जिस जो कहते हैं ना जी कि जिनने नंबर आए 2 मुंडे पास हुए थे उसके उन नंबरों पर आप रो रही होती हैं। तो एक बात तो जहन में रखिए, फिलहाल तो इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिंपली अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। आपके पास ऐसा कोई रेग्रेट ना हो कि यार काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, वो काश कुछ को जिबा करके जाए। पूरी अपनी ये दिस योर टाइम, पूरा महीना पड़ा हुआ कम से कम, तो इसमें आप अपना 100% दें। अव्वल तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा इंशाल्लाह, आपका एडमिशन होगा अल्लाह खैर करे। और दूसरी बात ये कि रहें विद इन पैरामीटर्स, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी एक बच्चा पूछा था स्टार्टिंग में डिफरेंट क्या है प्रिपरेशन, बेटा यही है डिफरेंस कि हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए। हम कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ते आपके सिलेबस से जो आपके सिलेबस में का हिस्सा हो और हम उस पर एम्फसाइज ना करें। हम वी गिव आर 100% एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू योर 100%। एक्स्ट्रा चीजों में आपकी एनर्जी हमने नहीं लगाई, स्टार की हिस्ट्री है कि हम उन चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं जो आपके पेपर में आनी होती, जो सिलेबस में आनी होती है। अभी भी हमें इसीलिए पेन है, इसीलिए हम इसके लिए एफर्ट करें कि कहीं ये ना हो जाए कि चलो ये आपने फीसें तो दे दी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अब जो होगा अगले साल देखा जाएगा। नो, वी आर कंसर्न विद योर सक्सेस। तो फिलहाल दिस इज द टाइम टू गिव योर 100% बिकॉज वी आर गिविंग यू आर 100%। और इंशाल्लाह दिस विल क्रिएट The difference. तो ये सवाल ये राइज नहीं होगा कि किस तरह करना है, वो अल्लाह माफ करे किसी के साथ ये होगा तो फिर we are always there. हम हर सिचुएशन में आप हमारे साथ हैं या नहीं है। पिछले साल एक बच्ची का मैसेज आया जिसने एडमिशन की सीटें फाइनल हुई, एक बच्ची का मैसेज आया कि सर मैंने आपका एक सेशन लिया था और उसके बाद मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे किसी और शहर में रहना था, वहाँ स्टार की ब्रांच नहीं थी, मैंने किसी और इदारे से तालीम हासिल की, लेकिन उस कॉन्फिडेंस की वजह से उस मीटिंग की वजह से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। तो अल्लाह आप सबको कामयाबियां अता करे। आप सिंपली इस वक्त आपने ये सोचना है कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, बाकी सब चीजों के लिए हम अवेलेबल हैं, अल्लाह रहम करे जरूरत पड़ेगी तो भी आप दे रहे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे लाइव में है ना उनके सवाल आप पढ़ लें, बड़ी देर से लाइव वालों के क्वेश्चन पूछ लें, आपके सवाल देख रहे हैं ताकि आपके सवालों के जवाब दिए जा सके, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा सवाल, क्योंकि लाइव वाले बड़ी देर से तड़प रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। सर न्यू सेशन की डेट क्या है? मैंने थर्सडे वाला दिन बताया, न्यू सेशन तब से शुरू हो रहा है और इसकी फी मोर और लेस वही क्रैश टेस्ट वाली होगी, अ लिटिल एडिशनल फी फॉर दी जो फिजिकल क्लासेस हैं, लेकिन जो लोग स्टार में रजिस्टर हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। प्लीज हम वी लव आवर स्टूडेंट्स और सिर्फ पैसे लेना मकसद नहीं है, एडिशनल वक्त आया है कोई बात नहीं बेटा, हम 2-4 टेस्ट एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, इट डज नॉट मैटर, स्टार में आए हैं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जो नए आ रहे हैं ऑब्वियसली जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा जितने आने हैं जितने बेटा फिर सन भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपके सवाल पढ़ रहे हैं और मैं अपने अंदाज में अली साहब अपने अंदाज में इसके जवाब देते रहे। सर मैट्रिक क्या इंक्लूड हो जाएगा फार्मूला में? अभी कुछ इस बारे में कहना भी कब्ज़ वक्त है, चांसेस हैं इसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। क्लास टाइमिंग्स का पूछ रहे हैं बेटा, ऑफ कोर्स अभी इसको सेटल करते हैं टीचर्स के टाइम टेबल के मुताबिक, सो डोंट वरी अबाउट इट,
यू शुड नॉट लूज योर स्पिरिट्स. आपके टाइम को मैनेज किया जाएगा, बेस्ट मैनेज किया जाएगा. कुछ को लेट उठने की आदत है, कुछ को जल्दी है. दोनों चीजों को देखेंगे कि कैसे इसको लेके चलते हैं. टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों फैसिलिटीज आपको अवेलेबल रहेंगी जी. और मेरी पोस्ट प्रोडक्शन टीम जो है इस वक्त सेल्फियां खींच रही है, तो इसका मतलब है कि ये बाद में ड्यूरिंग वर्क जो ये कर रहे हैं, ये आपको फेसबुक पर बड़ी मजे की चीजें मिलने जा रही हैं कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है. स्टे ट्यून्ड ऑन द पेज. तो आपको ज्यादा बेहतर जी फी के बारे में बेटा मॉडरेटर्स आपको मैसेज कर देंगे. यहाँ पर ऑनलाइन की फी हो या फिजिकल हो, जुल्कर ने पूछा है टाइमिंग्स, ये आपको बता दिए जाएंगे. अब हम क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, सो जो क्वेश्चन आप भेजेंगे उसको हम देख लेंगे. थैंक यू, वी लव यू आल्सो. मैरिट इंक्रीज या डिक्रीज? मैं फरिश्ता तो नहीं बेटा, अल्लाह खैर करेगा जब लोग इम्तिहान दे देंगे. ऐसे सवाल ना किया करें. देखिए जब बच्चे इम्तिहान देंगे, रिजल्ट बनेगा, तभी फैसला होगा. गायब का इल्म काश होता है, नहीं है बेटा गायब का इल्म. सच्ची बात करनी चाहिए, चाहे अच्छी लगे या चाहे बुरी लगे. एमडीकेट या आईपी के चांसेस हैं? जी आईपी होगी, चांसेस हैं जी आईपी होगी. नहीं 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 सॉरी, सीआईपी के चांसेस नहीं है माजरत के साथ. जी 5-6 AM वाला सेशन ले रहे हैं बेटा, ये हमारे इतने कैंपसेस हैं. अब आप अगर मुल्तान में या किसी जनूबी पंजाब में, तो वहाँ 5 बजे वाला सुबह सेशन होता है, यहाँ पर 6 बजे शाम को भी होता है, दोपहर में भी होता है. सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर दवाइयाँ देता है ना, ऐसे सेशंस हैं. तो जिससे आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं. आपको अपने कंसर्न कैंपस पर कंसर्न जो आपके स्टूडेंट काउंसलर हैं उनसे बात करनी पड़ेगी. बट नेशनल एमडीकेट इज सर्टनली देयर. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, मेरे ख्याल मैसेजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं. मेरिट इंक्रीज डिक्रीज बता दिया. ओके प्राइवेट का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना है सर अली, आप देखें बताएं जरा. 60% आपने अभी टारगेट बनाना, बाकी बातें बाद में होंगी. 60% आपको पास करना है, ये जरूरी है. इससे आगे अभी मेरिट बनता है नहीं बनता है. समर राणा कह रही है कि जी टीचर्स आर अमेजिंग. बेटा पता नहीं आप किन टीचर्स की बात कर रहे हैं. बहरहाल ठीक है, थैंक यू. मुझे क्या पता आपने किसके टीचर की बात की है, किस जगह के, किस सब्जेक्ट के. अच्छा जी नम्स 11 को हो रहा है या नहीं? बेटा हो रहा है 11 को नम्स. आपको पता नहीं नहीं किसने कहा है. ये कोई वो पापड़ी वाली मिसाल याद है, ये वही चीजें आप कर रहे हैं. ऐसा पूछने नहीं सर, फेडरल की बुक्स पढ़े. और नहीं भाई अपनियां पढ़ो. और पुत्र अपनियां तो पूरियां पढ़ ला है. ये उसने तो नहीं जी नहीं पूछ सकता सवाल बेचारा. गिलगित बल्तिस्तान से. अच्छा मुझे नहीं पढ़ना. नहीं उसके बाद मेरिट, उसके बाद नेट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन लव यू जी. जो लोग स्टार में एनरोल रहे हैं उनको एडिशनल टॉपिक्स दिए जाएंगे. ये क्या हुआ जी, थोड़ा सा टीएसटी का. मेरी टेक्निकल सपोर्ट टीम बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे फेसबुक पे. ये हंस रहे हैं सारे यहाँ पर. जी नम्स की क्लासेस कंटिन्यूड रहेंगी सर्टनली. जो ग्रुप पढ़ रहा है उन ग्रुप्स की कंटिन्यूड रहेंगी. सबके लिए दोबारा से भी शुरू की जाएंगी. सो दैट इज वेरी मच देयर. फेडरल की बुक्स नहीं बेटा, अपनियाँ पढ़ो. अपनी पूरी पढ़ी नहीं जाती. फलानी भी पढ़ लें, फलानी भी पढ़ लें. और खुदा का वास्ता यार फोकस रहो. क्या हो गया? ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना बेटा, गलत बात. ये टीचर डराते हैं बीएससी का कराने वाले. प्लीज रिलैक्स रहें, कुछ नहीं हो जाता. जो लोग नम्स नहीं दे रहे सर अली, ये सौर चौधरी को पूछ रही है कि जी उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. बेटा उनका प्रॉब्लम तो होगा, पेट में दर्द भी होगी, मुड़ोड़ भी उठेंगे. और कुछ नहीं होता. जिन्होंने खाली एमडीकेट करना, उन्हें एमडीकेट ही करना है. क्या हो गया आप लोगों को? लेकिन अगर आप अभी भी कोशिश करके ईमेल वेल भेज के अगर नम्स में दोबारा एनरोल होना हो सकते हो तो ट्राई जरूर कर लेना. पेपर जरूर दे दो अगर पेपर के चांस बनता है तो. जस्ट फॉर यू कैन से एक्सपोजर होता है आपका. मेरी मलिक एंट्री टेस्ट डेट क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. अच्छा जी हसन साहब एंट्री टेस्ट की डेट बेटा सेकंड वीक बोला गया है. अब इसे जैसे मर्जी ट्रांसलेट कर ले. उन्होंने नहीं दसी तो आप जबरदस्ती हमसे कुछ झूठ सुनना चाहते हैं यार. सेकंड वीक बोला गया है. सेकंड झूठी सी जुबान में आपके लिए नई टेस्ट की डेट आ रही है. ऐसा कुछ हम भी ऐसा बेटा वो लोग करते हैं. खुदा के वास्ते प्लीज इन फेसबुक पेजेस पे के इल्म के मुताबिक ना चला करें. यकीन करें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, वी ट्राई टू गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. सर मोहम्मद अहमद ने आपसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और पढ़े, कुछ ना पढ़े. इमरान सीरीज के अच्छे नॉवेल आए आजकल, पता नहीं कौन से आजकल तो कौन से आ रहे हैं. सिडनी शेल्डन को पढ़ना अच्छी चीज है.
ये भी पूछे जा रहा है सर, क्रैश टेस्ट की जो डिस्कशन के साथ न्यू टॉपिक्स होंगे बेटा, आधा घंटा अभी बोले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। तो उसने अब ज्वाइन किया है ना। अच्छा चले, आधा घंटा यही बताया है कि बेटा वीडियो बाद में देख सकते हैं। हाँ, ये पूरी वीडियो लाइव पे रहेगी, आप इसको बाद में देख सकते हैं। ये क्या था यार, ये मेरे कुछ नाम के साथ आया ये मैसेज, ये कैसे आ गया? लाइक योर डायलॉग, पता नहीं क्या गया। चले बच्चे, मैं देखता हूँ कोई। अच्छा वो कह रहा है लाइक डिसॉल्व्स, लाइक बेटा ऑफ कोर्स ना लाइक डिसॉल्व्स ना लाइक की करिए फिर। बायो का गाइड कर दें। अच्छा जी, बायो के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ। जो कंटेंट चेंज है मैंने उसको नोटेड रखा हुआ है, अगर सर अली के पास होगी वो रीड कर देंगे। मेरा वो एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको सर, एक वीक में नम्स की तैयारी ऐसे होनी है बच्चों कि आपने रीड करना है उन टॉपिक्स को पढ़ना है और हम टेस्ट देने जा रहे हैं। फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग्स बेटा अभी लाहौर और मुल्तान में दो डिफरेंट है। बायोलॉजी में बेटा तकरीबन वैरायटी ऑफ लाइफ में 50% इंक्रीज आया है। किंगडम मनेरा टिपिकली टोटली न्यू आर्टिकल ऐड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा न्यू ऐड किया गया है। फंजाई का टॉपिक न्यू ऐड किया गया है। किंगडम प्लांटिया न्यू है। किंगडम एनिमेलिया है। इनमें से देयर वुड बी अ वेरी लाइट परसेंट, वेरी स्लाइट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम आई टेल यू, बिकॉज इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो अनकॉमन है। न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन है वो कम्प्लीटली न्यू आपको ऐड किया गया। होमोस्टेसिस में तकरीबन 50% ऐड किया गया। सपोर्ट एंड मूवमेंट में 80% ऐड किया गया। कम्युनिकेशन में 50% ऐड किया गया। रिप्रोडक्शन में आपका बताइए आपको 75% ऐड किया गया। ग्रोथ डेवलपमेंट कम्प्लीटली न्यू टॉपिक के तौर पर ऐड किया गया है। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट कम्प्लीटली न्यू ऐड कर दिया गया है। तो दीज आर द थिंग्स जो के बायोलॉजी में चेंजेस है। हम चेंजेस आपके ग्रुप्स में शेयर करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे क्या क्या चेंजेस हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। हाँ, वो पेपर बनाने वाली बात वही है बच्चा जो आपने लिखी है। अब यहाँ जाहिर है सोशल मीडिया पर तो नहीं, आपके और मेरे दरमियान एक सीक्रेट है कि पेपर कौन बना रहा है। जी जी, अहमद ने पूछा वो क्या एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बेटा। वही मैंने कहा ना, वो उठा के उन्होंने जो यूएचएस वाला था वही सारे के सारा डाल दिया। कोई कोई उसमें नई चीज़ नहीं, वर्ड टू वर्ड इट्स द सेम। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं, नॉट एट ऑल। जी बेटा, वी विल गिव यू अ क्विक रिवीजन इन द क्लास, जब कल आप आते हैं तो चीज़ों को फिर भी डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है सर ये तो क्वेश्चन चलते ही रहने हैं, टॉपिक इसमें चलेंगे नहीं। और इनके जो जो आपके क्वेश्चन अब तक नहीं डिस्कस हुए तो वो हमारी टीम और कमेंट्स, हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इसको कल सुबह भी दोबारा देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप किसी बाकी और क्वेश्चंस के भी हम आंसर्स कर देंगे। तो इट विल बी क्वाइट इजीयर फॉर यू कि बात पिक्चर्स आपके सामने और क्लियर हो जाए। इवन देन अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप स्टार्ट की पोर्टल पे मिराज के सवाल को जरा देखें। मारिज सर, प्लीज बताएं कि जिन बच्चों ने अपने अल्लाह खैर करे, फिजिकल से भी फायदा ही होता है। एंड आई गेस के इसको देखा जा सकता है। आप अपने कंसर्न्ड एडमिन से बात करें, कंसर्न्ड एडमिन से बात करो, वो कोई ना कोई। AMC के लिए एडमिशन के लिए नाम्स जी, नेशनल MD कैट अब सबके लिए पास करना जरूरी हुआ करेगा। उसके साथ जो मेडिकल कॉलेज का अपना टेस्ट, किसी जैसे नाम्स का अपना है, खान का अपना है, तो वो उसको पास करेंगे। मेरिट उसकी बेस पे बनेगा, लेकिन नेशनल MD कैट पास होना शर्त हुआ करेगा। प्रोविजन प्लानिंग इंशाल्लाह क्लासेस में देंगे बेटा, ऐसी चीज़ें फेसबुक पर नहीं दी जाती। हम पूरा प्लान देंगे कि आपने कैसे रिवाइज करना है, तो ये तो इंशाल्लाह चलेगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करें, बिल्कुल करें बेटा, क्यों ना करें, यही तो काम की चीज़ है। इसके अलावा आप हर चीज़ को फॉलो करने को तैयार है, लेकिन जो फॉलो करना है उसके बारे में पूछ रहे हैं। चले कोई नहीं बेटा, होता है। बेटा जो टीचर्स फेडरल की बुक रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज ये कई फार्मूले याद होने हैं इस तरह के, बराए मेहरबानी। जब वो कह दिया गया कि अपने रिस्पेक्टिव सिलेबस को देखें, तो वो यार आप PMC वालों की बात नहीं मानते कि वो कह रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव बुक से देखें, सारों के रिस्पेक्टिव सिलेबस से होगा, आप फिर उधर ही जा रहे हैं कि कुछ और पढ़ लें। बेटा वो क्यों नहीं पढ़ना जो आपके सिलेबस का हिस्सा है?
थैंक यू वेरी मच आयान, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, तुमने मुझे 16 साल का कहा है, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। सर मीना खान एक बच्ची है जी, वो शी इज फ्रॉम पेशावर और शी सेज कि सर वी हैव गिवन ईटा व्हिच हैज बीन कैंसिल्ड एंड नाउ वी हैव टू गिव नेशनल एमडीके। नेशनल एमडीके जी, तो क्या आपकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो रही हैं? जी टेस्ट सेशंस आ रहे हैं, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं, ये एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बाकी आपको इसकी डिटेल्स हमारे मॉडरेटर्स इंशाल्लाह देंगे सारे के सारे। आप इन सवालों को, जिनके सवाल मिस हो रहे हैं ना बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, हमारे मॉडरेटर अवेलेबल हैं, वो आपके इन सवालों को आफ्टर दिस लाइव सेशन इंशाल्लाह जिन भी वाले बच्चों को बता दें कि हम आपके लिए स्पेशली इसको लॉन्च करेंगे, कि इन क्लासेस में आपके लिए को जो शॉर्ट कमिंग्स हैं। स्टाइल इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फीचर पता क्या है? हम अपने बच्चों को क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो चीज़ आपके जहन में अगर है और वो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता या आपकी शॉर्ट कमिंग्स रह गई, आपने पहले ज्वाइन किया कुछ भी ज्वाइन किया, बट व्हेन यू कम टू अस यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंशाल्लाह वी विल गिव यू केपी वाले बच्चों के, अगर आपको कुछ थोड़े सिलेबस में कुछ चेंज भी आ रही तो वी आर बाउंड टू गिव यू हेल्प रिगार्डिंग दैट। एंड मरियम बच्चे, हम लेक्चर्स हो सकता है कि जिन दिनों में आपका टेस्ट नहीं होता जिसमें स्टडी लीव आती है उसमें हो सकता है लेक्चर्स 2 आवर्स के कर दें टू कवर योर सिलेबस क्विकली, डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव अ प्लान। लेकिन वो मैंने आपको कहा ना क्लासेस में दूंगा बेटा, ये चीज़ें फेसबुक पे थोड़ी देनी होती, कुछ आप भी ख्याल कर लें, बहुत कुछ है क्लासेस में बात करने के लिए। अच्छा समरीन शेख ने पूछा है कि इंग्लिश की पीटीवी का बता दें। बेटा एक बात मैं क्लियरली कह दूं कि ये जो बुक की लाइनों वाला कॉन्सेप्ट है ना वो पिछले साल से खत्म हो गया था, पिछले साल एमडीकेट में भी नहीं आया, नाम्स में नहीं आता। आप जनरल इंग्लिश में, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज गो फॉर द कॉन्सेप्ट। आपको सेंटेंस करेक्ट करना आ जाए वो दुनिया की किसी चीज से आ जाए, तो इस चीज पे आपने जो है ना उसमें इसके लिए पीटीवी की बुक्स पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट करेक्शन स्पॉट द एरर, ये पॉइंट समझिए। समर राणा आपको फीस बता दी जाएगी, मॉडरेटर आपको प्राइवेट में मैसेज करेंगे फीस के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। फिजिकल जो शुरू से ज्वाइन किया हुआ बेटा घबराने की जरूरत नहीं, अभी इधर क्या हो गया, अगर पूरी फीस दे के ज्वाइन किया हुआ तो आपसे क्यों पैसे लेंगे बेटा, आप हमारे स्टूडेंट हैं, छोड़ें इस बात को। अगर आपकी फी पूरी पेड है और है तो बेटा हमने कोई फर्क नहीं पड़ जाता यार इन चीज़ों से, इतनी सी फीस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शफक गुल, आई मेंशन यू स्पेशली, आई अप्रिशिएट दिस, तुमने सो टॉप फैन बनी हुई हो, आई लाइक इट, अल्लाह तुम्हें इस साल मेडिकल कॉलेज ले जाए, साड़ी जान छाड़ दे। लेकिन याद रखिए आप synonyms, antonyms करेंगे तो साथ साथ आपको वर्ड का कॉन्सेप्ट साथ तैयार हो जाएगा। तो अगर कोई थोड़ी चेंजिंग कंडीशन रहती है थोड़ा सा, इसलिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं कि अगर सेंटेंस कंप्लीशन पे एम्फसाइज करना सर, ये एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या करूं अब सर, तो बेटा उर्दू बोल, इसमें क्या टेंशन है, अपना मुल्क है अपनी जुबान है। मेरी मलिक जीती रहो बेटा, दिल खुश कर दिया, चले आगे चलते हैं बेटा, अमाइनो एसिड्स को याद करें, पढ़े चीजों जी, कुछ डिफरेंस है जी बिल्कुल केपी के और पंजाब की बुक्स के अंदर, लेकिन कॉमन पार्ट से आएगा, नेशनल एमडीकेट कॉमन पार्ट से आएगा। ये मैडम से पूछ रही हैं, पता नहीं मैम से, नाम मुझे पता नहीं क्या है, उर्दू में लिखा हुआ है सही तरह से, मीम से है शायद, वो ये पूछ रही हैं कि नेशनल एमडीकेट क्या पूरे पाकिस्तान के कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं? बेटा ये डोमिसाइल बेस्ड होता है, जो मेरिट बेस्ड एडमिशन वो पॉलिसी उसी रहेगी, आपके अपने प्रोविंस में होगा, सिर्फ हम आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। बेटा ये लंबी बहस है, समीउल्लाह के नाम्स को अथॉरिटी देने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मेरा ख्याल है डॉक्टर खुर्रम फालिफिंडर अक्स कह रही है कि मुल्तान कैंपस भी विजिट कर ले, मैं आया था बेटा, चलो अगले हफ्ते विजिट करूंगा इंशाल्लाह, मुलाकात करेंगे मुल्तान कैंपस। खुर्रम फालिफिंडर साहब जी माशाल्लाह, डॉक्टर साहब थोनो एंट्री टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, वाले साहब को सलाम कहिएगा हमारा, माशाल्लाह जनाब डॉक्टर साहब तो कंसल्टेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद, अल्लाह खैर। चलें बच्चों, बहुत सारा टाइम आपका है, बहुत सारा शुक्रिया, बस मैंने कहा थोड़ी बातचीत हो जाए आपकी परेशानियों के, जो परेशान चेहरे हैं ज़रा खिल जाएं,
स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे होम. नहीं बाहर भी आ जाओ, बाहर आओ, दुनिया की दुनिया देखो. स्टार इंस्टीट्यूट के अलावा स्टे होम. आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, जीते रहे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.